हेलो भैया, मैं हूं पवार। सर्दी का मौसम है, गन्ने के खेत हैं, रवि सरोज भी हमारे साथ है और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हम जा रहे हैं 500 किलोमीटर दूर। जैसा आपने पढ़ा है टाइटल में, 500 किलोमीटर दूर। और यहां पे पीपो पीपो हो रही है क्योंकि हम खड़े हुए हैं पलवल के चांदट गांव के अंदर। और 500 किलोमीटर दूर कहां जा रहे हैं हम तो भाई नहीं बताएंगे। भाई जा ये तूने ये कौन सा मास्क पहन लिया? ओ ये सॉरी, तेरे ब्लैक वाले मास्क कहाँ चले गए? ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो लेकिन Facebook पे भी आप जाकर उन पवार सर्च करोगे तो मिल जाएगा। YouTube मतलब Facebook ने गिफ्ट भेजा, YouTube तो कोई गिफ्ट भेजता नहीं अवार्ड्स के अलावा, तो Facebook ने कम से कम मास्क तो भेजा है हमारे लिए। यस, आप भी जाके। यहाँ गन्ने के खेत में क्या करने के लिए आया है? गन्ने के खेत में हम क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पे देखिए गाइस, हमारी किया सेल्टो यहाँ पे खड़ी हुई है। हम लेने जा रहे हैं अपनी फेवरेट SUV। फेवरेट SUV भाई, वो गाड़ी आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि ये बंदा उसी गाड़ी का नाम लेता रहता है। वो गाड़ी मैं बताऊं आपको प्राइस कितना है उस गाड़ी का प्राइस है कितना? नहीं पता। 28 लाख। पता है तुझे? ओ भाई, 28 लाख रुपए की गाड़ी हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश में मिली है क्योंकि व्हाइट कलर चाहिए था और डीजल मैनुअल चाहिए था। और अभी आप देखोगे हम पलवल से निकलने वाले हैं। ये हम वैसे निकल चुके घर से, तो हम चांदट पहुंच गए। ये पलवल का शायद आखिरी गांव है ना? Yes. है ना, हरियाणा का। Yes. इससे आगे उत्तर प्रदेश ही लग जाता है। तो हम अब यमुना एक्सप्रेस वे लेंगे और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं और जाड़े ने हम तोड़ रखे हैं, ठंड बहुत पड़ रही है। हम 7 बजे पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर अगर कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप चलेंगे तो। 8 बज जाएंगे अभी, ऐसे छोटे छोटे अरुण वीडियो के लिए ब्रेक लेता रहेगा ना तो 8 बजा देगा। चलो आओ जल्दी, यहाँ गाइस ठंड लग रही है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हरियाणा की बाउंड्री पे। ये अपना हरियाणा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और अपना उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। ये अपनी यमुना नदी, ये बॉर्डर आ जाता है जहाँ से यमुना नदी खत्म शुरू हो जाए और ये एकदम बॉर्डर आके और यहाँ पे देख सकते हैं आप हरियाणा बाउंड्री एंड्स। और यूपी में हम लोग घुस गए, यूपी घुस गए। ओ ये उत्तर प्रदेश पुलिस हमको घूर रही है क्योंकि आकाश ने मास्क नहीं लगा रखा। मैं तो हमेशा लगा के रखता हूँ गाइस। कहाँ है तेरा? यही फायदा होता है मास्क लगाने का कि आपको पुलिस भी नहीं पकड़ती है। चलिए तो अभी हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। ये यमुना एक्सप्रेस वे ये थोड़ी है, चलना 16 किलोमीटर है यहाँ पे अभी 16। और आज की वीडियो एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाली है भाई मेरे पढ़ने वाले व्यूअर्स के लिए क्योंकि मैं इसमें आपको एक अनअकैडमी की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। चलो भाई यहाँ तो ठंड लग रही है, फटाफट गाड़ी में चलते हैं, वहाँ पे आपको बताता हूँ। तो भाई अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी और इसकी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी की। अनअकैडमी इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ क्लास 6 से IIT तक के कोर्सेज हैं। आने वाले दिनों में जनवरी 23rd, 29th, फरवरी 6th और 13th फरवरी 2022 को ये क्लास 7-12 IIT JEE, नीट अंडर ग्रेजुएट एंड IIT JEE एंड नीट UG ड्रॉपर्स के लिए अनअकैडमी प्रोडोजी टेस्ट करवाने वाले हैं, जिसमें आप ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करके मैकबुक, आईपैड, आईफोन, अमेजोन डोर जैसी 10 करोड़ तक की एक्साइटिंग प्राइजेस के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हो। ये टेस्ट 1 आवर का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और टेस्ट के बाद इंडिया के टॉप टीचर्स का बनाया हुआ डिटेल स्कोर कार्ड और वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ करेंगे तो टेंशन मत लो क्योंकि 15 जनवरी से 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोडोजी रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें, हमारा कोड PNW10 से रजिस्टर करो और लग जाओ प्रोडोजी टेस्ट की तैयारी में। और भाई डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोडोजी रजिस्ट्रेशन लिंक पर अभी क्लिक करो और हमारा कोड PNW10 यूज करो, रजिस्टर करके प्रोडोजी टेस्ट में अपनी स्किल्स चेक करो। और आपके आसपास अगर किसी को पढ़ाई में कोई भी हेल्प चाहिए ना तो उनके साथ अनअकैडमी ऐप शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने भी जो सिनेमेटिक शॉट देखा जो कि रवि के द्वारा शूट किया गया था वो आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे सिनेमेटिक शॉट देखने के लिए आप और भी ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आकाश पवार को, हाँ जी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जरूर। चैनल है गरीबों का चैनल। ओके, प्रमोशन हो गया ना, 50,000 रुपए लगते हैं प्रमोशन के, लाओ दीजिए भाई। ओ एक्सपोज, अरुण पवार एक्सपोज, 50,000 रुपए लेता है ये लड़का। ओ भाई हम ना इस पे चढ़ गए यमुना एक्सप्रेस वे पे, ये हमारा फर्स्ट टाइम है यमुना एक्सप्रेस वे, हमने पहले कभी नहीं आए थे हम इस पे। हमने बहुत इसके किस्से सुने कि एक्सीडेंट बहुत होता है क्योंकि भाई देखो खुला रोड कितना है, ट्रैफिक होता है ना तो लोग भगाते हैं। और इस पे 100 किलोमीटर मात्र तो कहें, आगरा से लखनऊ जा रहा है एक्सप्रेस वे, दिस इज गोइंग फ्रॉम नोएडा टू आगरा, नोएडा से आगरा जाता है ये जरा ना 130 किलोमीटर बाद हम आगरा में उतर जाएंगे। देख
भाई ये 443 किलोमीटर है यहाँ से और भी। खाली कोई डंपर ना कुछ ना है एकदम अपने केएमपी पे तो अपने केएमपी पे तो वो ट्रक ही ट्रक दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट यामाहा रोम है ना खाली है तो लोग बाग भगाते ही रहे तेरे जैसे जो अपने कैमरे भी लग रहे हैं। आप सर्वेक्षण में है ऐसे तो हम इस रोड पे चलते चलते बोर हो जाएंगे हम भाई। तो यार इससे ज्यादा तो हमारे 120 की लिमिट उस पे केएमपी पे और यार उनको यहाँ पे मुजरा उजरा कुछ करके मेरा मनोरंजन करना पड़ेगा। ये फेसबुक का मास्क लगा के इतना इतरा रहा है भाई, भाई तू कोई इतना बड़ा वो नहीं है जो हम तेरे लिए वो तेरे को एंटरटेन करेंगे उजरा करेंगे। ओके थैंक यू थम्स लाइक आपको चलना है तो चलो वरना यहाँ से रोडवेज आप पकड़ सकते हो। इस पे रोडवेज नहीं भाई हम अपनी गाड़ी को मैं और रवि खुद ले आएंगे। चलो आते टाइम में भी तुम दोनों को अकेला भाई यार यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं है कार में और इसके अलाइनमेंट एकदम आउट है। जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ना पूरी गाड़ी एकदम देखना वहाँ पहुँच जाएगी ग्रिल्स के पास। देखो तो मैं चला लूं पीछे कोई नहीं है देखो छोड़ना छोड़ रखा है देखना यू कोई मतलब रहा है छोड़ने को। अरे तो यार टायर खा जाएगी ऐसी तो पुलिस चौकी से मरोठी में ले चलूंगा। हमने भाई दो बार करवा चुकी इसकी अलाइनमेंट ना मिरर से आने के बाद भी फिर भी पता नहीं कैसे लोग ढंग से करते नहीं है। अरुण तू यहाँ पे हमको सुला रहा है अब मैं म्यूजिक बजाता हूँ बढ़िया बढ़िया जानवी गाने और के तेरी कोठी में भरवा दूंगा। तो गाइस हम पहले टोल प्लाजा पे अपने पहुंच चुके हैं। आकाश तो ऐसा भाई ऐसा इलिटरेट इसको ऐसे कह रहा यार अरुण 100 किलोमीटर चली आए कहीं टोल ही नहीं आया यार बताओ भैया यू कितनो बड़ो फेंकू चंद उरेते पुरेते क्या भाषा है कौन सी भाषा है उरेते पुरेते प्लीज टेक फ्रॉम दिस साइड दिस साइड प्लीज दिस साइड चलते हैं। हाँ यस दिस साइड या तो यहाँ पे फास्ट टैग है ना। यस फास्ट टैग है भाई इस पे और हम कौन सी जगह मथुरा यहाँ तो टू व्हीलर्स का भी टोल टैक्स लगता है सही में। हाँ वो रहा ना टू व्हीलर्स के लिए हो रहा है। ओ शिट देख देख इनमें हाँ सब देखो यार ट्रेवलर को कटना रहे हो तो इनने सोची अरे भाई ले लेते हैं। हाँ ये होता है ये, मतलब यही चीज होती है जब ऐसे लोग बैठ जाते हैं गाड़ियां चलाने भाई ये तेरा 155 रुपए वो है किराया वो और अगर तू मथुरा उतरेगा अगर आगरा जाएगा तो 295 देख वहाँ पे जूम मारे हो बड़ो महंगा गए हो तो बहुत महंगा इतने बढ़िया हो तेरा को या हमारे तो फिर भी यार अरे होगा हवाई पर चला दू तू कहे तो इधर उधर हिला ले ब्लैक लिस्टेड कल भी ब्लैक लिस्टेड ही दिखा रहा हूँ दोबारा लगा ढंग से लगा ना नोटी फोन आ रहा है अब हमारे पीछे ना लग जा अब फिर हमें डबल देना पड़ जाएगा हम पे तो ना है भाई 255 के डबल। अरे पेटीएम के चल हट जा रुक जा तू धोया कल भी तेने धोयो पानी मारा हो भाई ये तो बेइज्जती करवा देगा गाइस ऐसे तो भाई ये स्कैन कर लेना भाई स्कैन कर लो क्या ब्लैक लिस्ट है। अरे स्कैन मारो ना अरे भाई कैसे ब्लैक लिस्ट है यार भाई बैलेंस तो अभी डाला था जस्ट नाउ कट तो गया कट गया ऐसे कैसे कम है भाई यार आप पैसा जेब भाई ये पेटीएम यार उनके जेब में इतना पैसा निकल निकल के भाग रहा है भूखा मर गया भाई इतनी जल्दी घर से ही खा के आया है और ये वृंदावन ही पहुंचा जस्ट अभी और यहाँ पे फूड स्ट्रीट इसको क्या दिख गया अमीर को ये रिच लोग अब क्या खिलाएगा भाई ये बता जेब में हो पैसा तो पास तो काहे मेला लगे उदास मजा नहीं आया अच्छा सा बोल भाई खाने के ऊपर अच्छा सा बोल हेटर तो यू सस्तो है और 100 रुपया को अब चार चार खाएगा तो ऐसे ही होगा। अब भाई हम वैसे ही लेट हो रहे हैं यहाँ पे एक चीज और देखो यहाँ पे 75 की लिमिट है यार गाड़ी की और ये एक्सप्रेस वे है इस पे 150-160 मतलब भीड़ ही नहीं है ट्रैफिक तो आदमी की स्पीड अपने आप बढ़ी जाती है। यू 75 ना है 100 ही है बाकी ऊपर पता काई है सामाजिक तत्व ने लगा दिए कब पोस्टर भी फालतू की ठीक है नहीं तो उनपे लिख पीछे सो भाई 75 की स्पीड आप बताओ होती क्या है यार ऐसे रोड पे यार मतलब एक्सप्रेस वे है ये यार ये रोड हमको तो पसंद आया नहीं मैं बिल्कुल भी मतलब फायदा क्या टाइम बचाने के जब चलना 75 ही और जगह जगह कैमरे लग रहे तुरंत चलाना आपके घर पे आ जाएगा। अब ये दूसरा फास्ट टैग है हाँ ट्राई करते हैं भाई होता है नहीं होता यहाँ पे भी कभी ब्लैक लिस्टेड दिखाने लग जाए खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा ये अगर अब भी यहाँ पे करेगा ना इधर उधर डुला ले करें भाई तो भाई फिर इनका ही खराब है स्कैनर स्कैनर ना इनका भी खराब है भाई पकड़ लो ना अपने हाथ में भाई ढंग से सब गाड़ियों के साथ होता है क्या
सब गाड़ियों के साथ होता है क्या? तुम्हारे साथ ही है यार। अरे भाई भाई वो बोलता है ये स्कैनर ये तुम्हारा फास्टैग बेकार है, इसको दूसरा बनवा लो। तो पेटीएम वालों अगर कोई पेटीएम देख रहा है तो इसको दूसरा भिजवा देना ठीक है, ये हर जगह बेइज्जती करवा रहा है बेमानी। ये हम पहुंच गए भाई आगरा और ये लग रहे कैमरे, मतलब उल्टी साइड इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, तो जैसे एकदम क्रॉस करेंगे तो ये स्कैन कर लेंगे। अरे मैंने बताया तो है ही नहीं अभी, तो हम जा कहाँ पे रहे हैं? यहाँ पे देखो भाई, ये जो सिटी आपको दिख रही है ना लखनऊ, तो पता ही नहीं चला था। भाई हम जा रहे हैं लखनऊ जो कि अभी 332 किलोमीटर और है, 7.5 दिखा रहा है ये। अगर ये रोड होता ना मस्त, अगर यहाँ पे 200 की स्पीड लिमिट होती तो हम 5:30 बजे पहुंच जाते, पर क्या करें भाई अभी इंडिया में ऐसे वाले रोड आए नहीं है जहाँ पे आप अनलिमिटेड भगा सको। और मामा का तो 100 भी चुका है, एक नहीं भाई। तो देखो गाड़ी की लेने जा रहे हैं यार, न्यू कार 28 लाख रुपए पता है कितने ज्यादा होते हैं जेब में रख लिए हैं, गड्डियां इसमें आ गई हैं, पीछे बैग रख लिए हैं डिक्की में, अरे कमर में रख के लाए हैं। ये देखो भाई पुणे आगमन का ये वो है, इनको दोबारा से 295 रुपए चाहिए। नहीं भाई हम नहीं आएंगे, इतना महंगा हमसे नहीं लिया जाएगा, बहुत पैसा। तुम सदा गरीब ही रहोगे, बेशक 28 लाख की कार ही क्यों ना खरीद रहे हो, क्या करें, सकल ही पुअर वाली है, चाहे 28 लाख ले लें 28 रुपए ले लें, लगेंगे पुअर। भाई यहाँ पे आकाश के होश उड़ चुके हैं आप देखोगे इसकी शक्ल, क्योंकि अभी हम मुश्किल से 5 किलोमीटर चले होंगे और दोबारा से टोल टैक्स आ गया यार, मतलब हद धो रहे यार। अभी तो देखा है 250 रुपया दे दिए, कितने कट चुके हैं, कितनों कटवाएंगे भैया, तो अपना नष्ट हुआ टाइम आ रहा है, यहाँ पे भीड़ ना आए तो हो सकता है भाई, इसीलिए भीड़ ना आए क्योंकि इतना महंगा है भाई। बिल्कुल भाई अपना नष्ट पे भैया 1 घंटा लेट पहुंच जाएंगे, पर इतना पैसा उतना लगाएगा गुमशुदा की और तलाशन करवा रहे हैं, आकाश गुप्ता यहीं बैठा है। बिल्कुल 5 फुट 3 इंच नहीं, 5'7" हूँ मैं तो, रंग गोरा नहीं मेरा तो काला है। हाँ जी मैम 40 अभी तो देखे आए 5 किलोमीटर पहले ही, अब दे लेंगे थोड़े से और। थोड़े से और कितने तो दे दिए मैडम, और कितने लेते रहोगे? लो 300 ले लोगे। वहाँ पे 40 रुपए देने के बाद अब हम चढ़ने जा रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। बस भाई इसकी स्पीड लिमिट बढ़िया होनी चाहिए फिर तो फटाफट पहुंच जाएंगे, वरना तो देश के सबसे लंबे आगरा, ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है आकाश, अच्छा अब तो वो दिल्ली मुंबई वाला बन रहा है, अब फिर वो हो जाएगा, इस पे से बोर्ड हटाना पड़ेगा इन लोगों को। और देखिए सर डिजाइन सा तो अच्छा है, तेरे जैसे कोई इंजीनियर होगा जैसे लाइट्स का डिजाइन, तो ये सिविल इंजीनियर्स करते हैं सारे काम, मैकेनिकल ही नहीं करता भाई, तू तो मल्टी टैलेंटेड है ना, जिस गाड़ी में तू बैठा है ये मैकेनिकल करता है, जिस रोड पे तू चल रहा है वो सिविल करता है। अच्छा बस हाँ, अभी गुस्से में हो आप? गुस्सा क्यों ना करूँ, इतनी देर हो गई मुझे बैठे बैठे एक जगह बैठो, मेरे को जरूर नहीं। अरे भाई ये तो 299 किलोमीटर चलना है इस रोड पे। अरे भैया भाइयों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आकाश की फेवरेट कार इसके फेवरेट कलर में, तो ये देखिए आकाश आपके सपनों की कार हमको दिख गई। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, मैं उसमें जा रहा हूँ। चलिए भैया प्लीज मेरी फेवरेट कार मुझे दे दे इधर। भाई देखना कितनी मस्त लगती है, मतलब दूर से चलती हुई गाड़ी इतनी तेज चल रही, छोरा सीजन में तो हवा पार हो रही है देखना भाई, मतलब इधर मुझे पीपा जैसा लगती है। फिर क्यों है तुझे इतनी पसंद ये बता, बस इसका तो डिजाइन है ना, वो चीज डिजाइन ने पसंद किया, मैं उसे कदम से करना चाहता हूं। वैसे इस रोड पे भी वही अपनी 100 की लिमिट है, पर यार नहीं चल पाती है एक्सप्रेसवे पे भाई, 100 कैसे ही बंदा चलाएगा, इससे बड़ी अपना KMP है यार। फर्क बस इतना है जब हम पहले उस रोड पे चल रहे थे वो था अपना लैंटर का रोड, ये अपना तारकोल का रोड, बस इतना फर्क है। ऐसे डर रहता है कहीं आ गया इंटरसेप्टर खड़ा, क्योंकि इस पे ना कैमरे बहुत कम है नाम मात्र के बराबर है इस वाले। स्टीयरिंग मत छोड़ भाई, भाई स्टीयरिंग पकड़ रखा है मैंने ठीक है भाई, इस पे ना मतलब कैमरेज नहीं है तो ऐसे डर रहता है कभी आगे पता चले, इतनी दूर से स्लो स्लो चलते आ रहे हैं आगे इंटरसेप्टर खड़ी है और वाले कैमराज होता है आगे इंटरसेप्टर वाले काम आ गई 2000 रुपए का। इंटरसेप्टर क्या होता है भाई? वो स्पीड गन, अगर आप अच्छी तरीके से आपने एजुकेशन ली होती, वो एजुकेशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, अगर आपको अच्छी एडुकेशन मिली होती तो आपको पता होगा कि इंटरसेप्टर क्या है। एडुकेशन बोलने वाले भाई लाइक करें। और भाई मैं बता देता हूँ,
जो अब आपको वो भी नहीं पता होगा कि स्पीड गन क्या होती है, वो पुलिस वाले नहीं होते, वो जो हाथ देते हैं रोड पे चलते चलते हुए, तेरे लिए बात कर रहा है, वो रोड पे देते हुए हाथ देते हैं वो वाले होते हैं आपको समझाने के लिए, इलिटरेट। ओ गाइस ये सच में रोक दे रहा है, गाइस मैं साइकिल से भाग जाऊंगा, साइकिल गाइस यार साइकिल दूसरी बार चले ही जाते हैं तो चले ही जा रहे हो, तो चले ही जा जान देना रवि, मेरा एक फोटो खींचिए, जाए ना कहा जा पता ना भाई पूछ ले जा रहे हो, इसको मैं छोड़ के कहाँ जाऊंगा, आ जा मुझसे चम्मी ले ले भाई 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 एक चीज मैं बता दूं, अच्छा तुम लोग बोर हो रहे हो क्या, मैं अपनी शक्ल दिखा लेता हूँ थोड़ा फेमस हो जाता हूँ मैं, तुमको क्यों फेमस करूँ बताना तेरी वो हरण दे, तो भाई इसकी तो ऐसे नोटिनेस बहुत ज़्यादा चलती रहती है, अभी हम बताएंगे हम फ्लाइट से क्यों नहीं आए, फ्लाइट से भी आ सकते थे बिकॉज अब हम काफ़ी काफ़ी रिच हो गए हैं, तो गाइस अब हम पे बहुत सारा पैसा है तो हम फ्लाइट से भी आ सकते थे बिजनेस क्लास बुक करके, लेकिन फिर हमने सोचा कि जो कार से चलने का मजा है वो फ्लाइट में नहीं है, तो इसलिए अब हम कार बोर ही रहे हैं फ्लाइट में अब तक तो पहुंच ले, अरे मुझे लगा एक्सप्रेस वे हाई फाई लिमिट होगी मस्त भाग तो जाएंगे, पर 100 की लिमिट होते हैं ना तो भाई तो फ्लाइट ही ठीक है यार, 3,000 की कुल मिल रही थी एक जने की, वो कितना सस्ता पड़ता है, यहाँ तो टोल टैक्स ही इतना लग जाएगा आने जाने का तो ये थोड़ा सा एक दुखी होने वाला मैटर है, पर कोई नहीं आते टाइम तुमको जब भी नई कार लेके आनी पड़ती तो आकाश लेके आएगा सेल तो उसको, मैं उसको नई वाली को लेके आऊंगा 28,00,000 वाली को, ठीक है कोई इशू नहीं भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं पता नहीं कहाँ पे, आकाश को दे दी थी मैंने, मेरे को नींद आने लगी थी क्योंकि 100 की स्पीड से हमारे बस की ना, मेरे पे गाड़ी 150+ जाए जा रही, पंजे इतने तगड़ा दबे जा रहा, मेरे पे भी 150+ ही जा रही है भाई, मैं भी 150 पे चला रहा हूँ, हम तो 100 के पे पता नहीं कितने पे चला रहा है, वैसे कोई इंटरसेप्टर वगैरह कोई खड़ा नहीं होता है आराम से, झूठो 1 घंटा झगड़ा कौन देख भाई, 5:39 हो गए, 7 बजे हम पहुंच जाएंगे आराम से लखनऊ, यहाँ से 150 किलोमीटर बच गया है, यहाँ पे बोर्ड वोर्ड सा अगर नहीं है ये वाला तो नहीं है, वैसे लाइट बहुत बढ़िया लगा रखे हैं इन्होंने ना पूरे एक्सप्रेस वे पे, अरे हाँ केएमपी पे तो एक भी सीडी नहीं है भाई, राइट राइट। क्या क्वेश्चन पूछा है अभी आकाश ने भाई, मजा आ गया सुन के, क्या पूछा था भाई आकाश अभी बता, अरे गई यार वो कह रहा था कि जो ये लाइट लगा रखी है इन्होंने रोड पे ये जलती कब है, अब इससे ज्यादा भी अंधेरा होने का इंतजार होता है अभी भाई, टाइम क्या हुआ है 5:53 हुआ है आकाश पवार अभी, तो भाई अंधेरा तो टाइम होता है ठीक है, हर चीज का एक समय होता है, चलो लखनऊ पहुंचने में 1.5 घंटे देखते हैं कितना टाइम होता है, 2:22 जब करती है भाई, जब आपकी 120 से प्लस चलती है गाड़ी, सीट बेल्ट इसने लगा रखी है, मैंने भी लगा रखी है, ओके गाइस बस एक इसी ने नहीं लगा रखी, मामा की सीट पर लगा ले, ड्राइवर ऐसा ही है भाई लगाने में क्या है ना, सही बता रहा हूँ, क्या बोला था भाई मैंने, 6 भी जैसे होंगे जल जाएंगी, जली है नहीं जली बता अब बता, मुझे तो नहीं दिख रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी की लाइट हो, तेरी गाड़ी की लाइट तो गई गुजरी है एकदम ही वैसे अब भाई बस ये 31 किलोमीटर बच गया, बस यार रोड इतने मस्त बना दिए ना सरकार ने अब फिलहाल, मतलब हम पूरा हाईवे हाईवे आए, कोई कहीं ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, गाड़ी की माइलेज की अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखो भाई 16.7 दिखा रही है, और 478 किलोमीटर में इसने दी है अपने को 17 की माइलेज जो कि बहुत बढ़िया है, अब मेन यहाँ पे इतना जो हम 200-250 किलोमीटर चल रहे हैं ना एक भी टोल नहीं आया, अब आ गया, अब इस पे देखना होगा कितना टोल लगता है, भारी भरकम लेंगे है ना क्योंकि बहुत बड़ा है, देखते हैं भैया चलता है नहीं चलता है, वहाँ पे तो हुआ नहीं था, चल 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 आगे चल, या भाई वो चला ना धुंध जम रही है, ओस जम रही है ब्रो, वाइपर वाइपर चला, ओ कट गया, अच्छा कितने चल ना, अरे चल देखो इसकी कलाकारी देखो, अरे गियर ओ तो यहाँ में कहे तो ड्राइवर है भाई, ओ मतलब यहाँ में गियर अगर अटक गो, टोल क्रॉस करके बस लखनऊ पहुंच गए भाई, ये देखो लखनऊ के लिए आगे चले जाओ, मोहान जाना है इधर चले जाओ, ये वाला रास्ता है, तो अभी कहानी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि लखनऊ में ना हमने कोई होटल वोटल बुक नहीं कराया ना, हम कोई होटल वोटल में रुकने वाले हैं, हम किसी के घर रुकेंगे भाई, अभी वो पूरी पूरी अपने आप में एक स्टोरी है, उसको तो अभी हम नहीं बताएंगे, अभी तो और आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई, तब जाके पता चलेगा कि असली कहानी क्या है, यहाँ पे हमारा यूपी टूरिज्म ने वो कर दिया है क्या बोलते हैं स्वागत, और भाई मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, ये हम यूपी की राजधानी लखनऊ में पहुंच गए हैं, जो किसने अभी गूगल करा है कि यूपी की लखनऊ, और यहाँ पे भाई ओह तेरी अपना जैसे ही समझता है हर किसी को, यहाँ पे यार ये यूपी वाले ना मतलब HR गाड़ी नंबर देके पी 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 दिए जा रहे हैं, मतलब
हम अपनी अपनी जैसी नहीं चलाते, हम कहीं पे आते हैं तो भाई प्यार से चलाते हैं, तो ये लोग ऐसे करते हैं पी पी पी, तो खामा खाएगी देंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, यार इस पे 600 रुपए टोल टैक्स लगा है, आज तक का जिंदगी का मैंने सबसे महंगा टोल टैक्स दिया, अभी पेटीएम का मैंने जाया था 600 रुपए, मतलब पूरा 1000 रुपए जितने का रिचार्ज कराया था ना सब खत्म। ये पहुंच गए भाई हम लखनऊ में जहाँ पे अपने को पहुंचना था, और ये गाड़ी के ऊपर डेंट्स देखो आप, हम शिमला गए थे पिछले साल तो बंदर उछले थे इस पे, तो ये 3-स्टार रेटेड कार पे बहुत सारे डेंट्स लग गए हैं। चलो भाई अभी भाई मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ से छत दिखा रहा था, अभी ट्विस्ट है वीडियो में, ट्विस्ट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। क्या ट्विस्ट है भाई, तू तो मुझसे कह के लाया गाड़ी लेने जा रहे हैं ये कब से नया ट्विस्ट आ गया? आएगा कल पता चलेगा, लेंगे गाड़ी लेंगे कल लेंगे, ठीक है? तू तो कह के लाया कि तूने गाड़ी बुक करा रखी है, अब कौन सा ट्विस्ट है, ले भी रहा है प्रैंक कर रहा है। अब तो शोरूम भी बंद हो गए 9 बजे, यार लेट हो गए पहुंचने में, ठीक है देखेंगे कल कौन सी गाड़ी लेने के लिए आया है तू। चलो भाई फिर कल ही दिखाते हैं आपको, कल ही मिलते हैं न्यू कार के साथ, अभी इसको यहीं बंद कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।